नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लिटरी माइंड के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज ये सेकंड पार्ट है और कंटिन्यूड पार्ट है। लास्ट वीडियो ऑलरेडी हाफ एन आवर के आसपास बन गई थी, तो आई थॉट कि इट्स बेटर कि मैं आपको एक अलग वीडियो में बाकी जो चीज़ें बची हुई हैं वो समझाऊँ। ठीक है, चलिए, रिकॉर्ड हो रही है वीडियो हमारी। हम बात कर रहे थे दोस्तों ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा, और मैंने आपको कहा भी था कि मैंने जो चीज़ें फेस करी है वो चीज़ें मैं आपको फेस नहीं करने दूंगा। क्या कि समझ ही नहीं आ रहा सर कि लिटरेचर पढ़ रहे हैं किसी कंट्री की जो कि ना तो अपनी है, क्योंकि हम तो रहे हैं इंडिया में, तो वहाँ की कंट्री का लिटरेचर पढ़ रहे हैं, ना तो उस कंट्री के बारे में पता है हिस्ट्री वगैरह, और हिस्ट्री पढ़ने बैठते हैं तो लिटरेचर टेक्स्ट छूट जाती है, लिटरेचर पढ़ने बैठते हैं तो बिना हिस्ट्री के समझ नहीं आती, तो दोनों का मिक्सचर कहाँ मिले? तो दोनों का मिक्सचर मिलेगा आपको यहाँ पे। ठीक है, सो दिस वीडियो इज गोइंग टू यू नो हेल्प यू अ लॉट। तो करें स्टार्ट। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बाद में कोई फीडबैक हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। चलिए, मैंने आपको इंग्लिश ड्रामा में लास्ट वीडियो में रिकैप छोटा सा एक ये बताया था कि भैया इंग्लिश ड्रामा जो है आप देखोगे, ऐसा नहीं कि इंग्लिश ड्रामा पहली बार कोई ड्रामा जो है डेवलप हो रहा था, ओरिजिन हो रहा था किसी चीज़ का, नहीं, ग्रीक्स बैठे थे भैया लिख के। इंडियन लिटरेचर की मैं बात करूं तो इंडियन लिटरेचर में महाभारत वगैरह बहुत पहले से लिखे गए हैं। ठीक है, वेद हैं हमारे, पुराण हैं हमारे, बहुत सारी चीज़ें बहुत पहले लिखी गई हैं। तो इंग्लिश ड्रामा तो ये तो बच्चा है इन ड्रामा इन लिटरेचर के सामने, ग्रीक हो गया, संस्कृत लिटरेचर के सामने। बट क्योंकि हम इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम संस्कृत लिटरेचर नहीं पढ़ने जा रहे हैं, तो हमको तो पता होना चाहिए। एक निष्पक्ष तरीके से हमें अपने सब्जेक्ट के साथ जस्टिस करते हुए हमें पढ़ना पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना हो। प्रोफेसर बनना है आपको इंग्लिश का, पढ़ना तो पड़ेगा, जानकारी होनी चाहिए। एनीवेज, तो देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, ये ग्रीक लिटरेचर से इन्फ्लुएंस हुआ है आपका। ग्रीक क्या, मैं तो कहता हूँ और भी जगह के लिटरेचर से इन्फ्लुएंस हुआ होगा, हम मान के चलते हैं कि ग्रीक से। ठीक है, क्योंकि एक रिलीजन वाला जो है एस्पेक्ट यहाँ पे ज़्यादा जल्दी कवर होता है। दूसरी चीज़ ये है कि सिर्फ लिटरेचर सॉरी रिलीजन ही नहीं इम्पैक्ट करता है आपके लिटरेचर को, ट्रेड कॉमर्स वगैरह भी इम्पैक्ट करता है। तो आप पाओगे कि यूरोप में ही आता है आपका, ये इंग्लैंड ब्रिटेन यूरोप में ही आता है। तो अब कोई भी चीज़ आपको कौन इम्पैक्ट करेगा, जो चीज़ पास होगी वो इम्पैक्ट करेगी एज कम्पेयर टू जो दूर में है। तो पहले पास वाली चीज़ों ने इम्पैक्ट किया। पास में कौन है, फ्रांस है, स्पेन है, इन लोगों के साथ तो लड़ाइयाँ हो रही थी इनकी, इस्लाम था इधर ओटोमन एम्पायर के आसपास, तो इन्होंने भी हैविली इम्पैक्ट किया है इंग्लिश लिटरेचर को। आप देखोगे क्रूसेड्स वगैरह हो रहे थे, इस सेंस में कह रहा हूँ मैं, ट्रेड कॉमर्स वगैरह बढ़ रहा था, इंडिया के साथ ये लोग ट्रेड करना चाहते थे। तो अलग अलग देश वगैरह से जब आप मिलते हो, मेडिसिन के बारे में जानते हो और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हो, थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं, और इन जब चीज़ों के बारे में जानते हो, इंडिया में उस टाइम पे बहुत सारे और हमारे एम्पायर्स थे, जब उनके बारे में जानते हो आप, ऐसा थोड़ी कि नहीं हुआ होगा, बहुत सारे ट्रेवलर्स थे जो ट्रेवल करके जाते थे, वापस कुछ ना कुछ लेके आते थे। तो इस टाइप से चीज़ें जो हैं, अलग अलग चीज़ें आप सीखते हो, धीरे 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 चीज़ें डेवलप होती है आपकी कंट्री में भी। हम बाहर देख के आए तो आज हमारे देश में भी जो है, मान लो हम वैसी सुविधा चाहते हैं कि नहीं भैया हमारे यहाँ पर भी जो है बुलेट ट्रेन हो, तो वैसे ही, और इसमें कोई बुराई तो है नहीं, सीखने में क्या बुराई है अगर आपके अंदर जो है क्या कहते हैं लर्निंग एटीट्यूड है तो। ठीक है, तो लास्ट उसमें मैंने बताया था कि जो ड्रामा की जो शुरुआत है, ड्रामा पहले नहीं था, ड्रामा की शुरुआत धीरे धीरे होती है आपके इंग्लैंड में, सॉरी इंग्लिश लिटरेचर में अगर मैं बात करूँ तो, ये जैसे ग्रीक का स्टार्ट हुआ था वैसे इनका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ, रिलीजियस थे, काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस चीज़ें ही पहले जो है ड्रामा के तौर पर, परफॉर्मेंस के तौर पर जो है चर्चिस में आपको देखने को मिलता था। चर्च में ही जो है ड्रामास परफॉर्म किए जाते थे। ईस्टर के टाइम पे किनके ऊपर होते थे ये ड्रामास, या कौन से थीम्स के ऊपर होते थे, कौन सी स्टोरीज़ को बेस बनाया जाता था जो परफॉर्म किया जाता था, भैया ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट बाइबल वाली, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट बाइबल की उनमें जो कहानियाँ हैं उनको प्रेजेंट किया जाता था, या जो संत हुए हैं क्रिश्चियनिटी में, सेंट्स वगैरह, उनकी लाइफ से रिलेटेड जो है ड्रामास पहले जो है शो किए जाते थे, परफॉर्म किए जाते थे। कहाँ पे, आपके चर्च के अंदर ही। धीरे धीरे ये चीज़ें बाहर आई, पब्लिक एरियाज़ में आई,
जब पब्लिक एरियाज में आई तो कंट्रोल चर्च का थोड़ा थोड़ा कम हुआ। तो आप देखोगे कि जब चर्च का कंट्रोल कम हुआ तो पहले तो चर्च यही चाहता था कि जो मैं बताऊं वही पब्लिश करोगे इन द सेंस वही दिखाया जाएगा ऑडियंस को, क्योंकि ऑडियंस इतनी अच्छी नहीं थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, अच्छी नहीं थी इन द सेंस, इतनी क्वालिफाइड नहीं थी कि वो खुद जाके बाइबल को उठाए, क्योंकि बाइबल उस टाइम पे भी अलग एक लैंग्वेज में लिखी जाती थी जो कि परे थे आम लोगों के। उन लोगों को तो हक ही नहीं था कि वो बाइबल उठा के पढ़ ले। कहा जाता था बाइबल जो है वो इलीट लोगों के लिए है, या फिर जो हाईली सोफिस्टिकेटेड जो थियोलॉजी में जो पढ़ाई करके आए हैं उनके लिए है। तो आम लोग तो भूल ही जाए। अब आम लोगों को तो धर्म के बारे में बताना है ना, चोरी नहीं करनी, दया भाव, ये डिवोशन का भाव, तो ये कैसे बताओगे? तो परफॉर्मेंसेस हुआ करते थे। आज हमारे पास टीवी है, प्लेटफॉर्म है, OTT प्लेटफॉर्म्स है, कहने का मतलब है, तो हम देख लेते हैं। तो उनके पास तो यही जरिया था कि भैया कोई परफॉर्म कर रहा है स्टेज पे तो जाके देख ले। इस टाइप से थी। तो धीरे धीरे जो है ड्रामा जो है चर्च से निकल के गलियों में मोहल्लों में परफॉर्म की जाने लगी। अब गलियों मोहल्लों में परफॉर्म की जाएंगी दोस्तों, तो आपको लगता है कि हर बार रिलीजियस चीज़ें ही शो करी जाएंगी? नहीं करेंगी ना, नहीं करी जाएंगी। तो ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अब फिर से बता दिया मैंने आपको ये चीज़ें, और कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ प्लेस के बारे में बताऊंगा। तो देखो टाइप्स ऑफ प्लेस की अगर मैं बात करूं, यहां से आज का वीडियो स्टार्ट होता है। कई टाइप्स ऑफ प्लेस थी वहां पे उस टाइम पे। अगर मैं बात करूं मिरेकल प्लेस, मिस्ट्री प्लेस और मोरालिटी प्लेस। अच्छा, जब मैं बात करता हूं मिरेकल प्लेस की, तो मिरेकल से आपको क्या समझ आता है बताना एक बार? ये जो मिरेकल वर्ड लिखा है इससे क्या समझ आता है? मिरेकल मतलब चमत्कार किसी टाइप का, मिस्ट्री मतलब कोई रहस्य होगा ऐसा कुछ, हाँ कह सकते हैं, मोरालिटी मतलब राइट और रॉन्ग। इतनी चीज़ें क्लियर है, मैं कुछ भी रटने को नहीं कहूँगा आपको, मैं गारंटी देता हूँ मैं कुछ भी रटने को नहीं कहूँगा। तो ये चीज़ें हो गई। इनके बीच में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूँ। देखो मिरेकल का मतलब ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट से लिया हमने, बाइबल की कहानियाँ हैं, बाइबल में जो भी चीज़ें दे रखी हैं, जीसस ने क्या किया या फिर गॉड वगैरह के बारे में जो भी है हमने लिया, वहाँ पे अगर कोई मिरेकल हुआ है, जैसे आप कहोगे सर कोई एग्जांपल देना, एक एग्जांपल दूँ मिरेकल प्ले का। देखो ये कहाँ परफॉर्म करवाई जा रही थी, बार बार कह रहा हूँ, ये पहले चर्च के अंदर ही परफॉर्म करवाए जाते थे, लोग आते थे देखते थे परफॉर्म होते हुए, ठीक है। तो मिरेकल का एक एग्जांपल आपने कहा, तो मिरेकल का एक एग्जांपल देता हूँ, रिसरेक्शन ऑफ लजारस बाय जीसस। तो जो जीसस थे आपके, उसने अपने दोस्त को लजारस को, जो उनका दोस्त था, उसको जिंदा कर दिया था। उनकी डेथ हो गई थी, किसी बीमारी से हुई थी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनको जिंदा कर दिया था। किसने? जीसस ने। तो चमत्कार नहीं हो गया, मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया। इन चीज़ों को परफॉर्म किया जाता था एज अ प्ले चर्च के अंदर, किनके प्रेजेंस में? क्लर्जी में। जो चर्च में बड़े बड़े लोग जो थे, जो पावरफुल लोग थे, वो कंट्रोल करते थे, तो उनकी निगरानी में ये चीज़ें परफॉर्म करवाई जाती थी। तो मिरेकल प्ले समझ आ गया, एक बार मैं पढ़ भी देता हूँ। अच्छा, तीनों ही ना, ये जो तीनों प्ले में बताए हैं, ऑल पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ मीडिएवल ड्रामा दैट एमर्ज्ड इन यूरोप। तो ये ड्रामास थे जो परफॉर्म किए जाते थे कहाँ पे? यूरोप में, ड्यूरिंग द मिडल एजेस की मैं बात कर रहा हूँ। वाइल देर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन देम, बट कुछ गैप है, मतलब गैप इन द सेंस डिफरेंसेस हैं। मिरेकल प्लेस मैंने बता दिया, जहाँ पे कुछ किसी टाइप का मिरेकल की बात करी जाती थी। तो ये मिरेकल कहाँ से होते थे? या फिर तो हमने उठा लिया वहाँ से डायरेक्टली से, क्या कहते हैं, बाइबल से, या किसी संत ने कोई चमत्कार किया है जो क्रिश्चियनिटी में मेंशनड है, या फिर बिब्लिकल फिगर्स में मेंशनड है, उनकी लाइफ में से वो पार्ट उठा के उसको परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। कैसे? बताई दिया, चर्च में एक रिलीजियस सेटिंग के तौर पे उनको जो है परफॉर्म किया जाता था। एंड वर मेंट टू इंस्पायर पिटी एंड डिवोशन अमंग द ऑडियंस, कि भैया दया का भाव, भक्ति का भाव जो है लोगों में जग जाए, इसीलिए परफॉर्म करके उनको दिखाया जाता था, ठीक है। बाइबल पे ही बेस्ड होती थी, ये मैं बात बता चुका हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, नहीं तो आप कहोगे सर एक ही चीज़ रिपीट कर रहे हो। मिस्ट्री प्लेस पे आ जाओ। मिस्ट्री प्लेस में क्या है? देखो मिरेकल प्ले की तरह ये भी रिलीजियस एंगल थोड़ा सा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा, लेकिन सेकुलर जरूर हुई थी ये चीज़, थोड़ा सा सेकुलर हुई थी। सेकुलर मतलब थोड़ा सा हटे थे हम रिलीजियस पार्ट से, बट कम्प्लीटली नहीं। भैया मिडिएवल एज है, इतनी जल्दी कहाँ से हट जाओगे? रेनेसा के बाद में तो आपकी साइंस एंड टेक इतनी जल्दी से ग्रो हुई ना, अभी तो मिडिएवल एज है, अभी लोग बहुत ज़्यादा धर्म में कर्म में फंसे हुए हैं, ठीक है। अब देखो जो दुख में है उसको ये बोल दिया गया कि तुम्हारे दुख तुम्हारे पापों के कारण है, तो आप फंसे हुए हो कि हाँ भैया भगवान पाप को निकालेगा मेरे को पापों से,
बीच में तो चर्च की ये कंडीशन थी, वो कहते थे तो तुम्हें पाप किए हैं हम तुम्हारे पापों को कम कर देंगे, तुम मेरे को पैसा दो, मतलब चर्च को पैसा दो इंडलजेंसिस के रूप में तो हम तुम्हारे पापों को कम कर देंगे। ये बाद की बात है, बताऊँगा कि चर्च में कैसे घोटाले हो रहे थे, रेप केसेस वगैरह भी लग रहे थे पोप्स वगैरह के ऊपर, ये बाद की बात है। बट फिलहाल समझो जो पॉइंट है यहाँ पे कि मिस्ट्री प्ले की बात करूँ तो ये भी रिलीजियस ड्रामा ही हुआ करते थे, बट दोस्तों डिफरेंस क्या है, दे फोकस्ड मोर ऑन द क्रिश्चियन नैरेटिव एज अ होल, क्रिश्चियनिटी के बारे में, क्रिश्चियनिटी है क्या, कैसी है, पूरे क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड तरीके के चीज़ों को हुई जो है हम एज अ मतलब ड्रामा परफॉर्म करवाया करते थे, क्रिश्चियन नैरेटिव को हम जो है पुश करते थे मिस्ट्री प्लेस के थ्रू से। पिछले वाले में तो चमत्कार ही उठा लिया, कहाँ से उठा लिया, डायरेक्टली बुक से ही उठा लिया, ठीक है, ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट या सेंट्स की लाइफ से उठा लिया। इसमें थोड़ा सा आपको मिलेगा कि ओवरऑल क्रिश्चियन नैरेटिव के बारे में जो है हम प्लेज को जो है परफॉर्म करते थे क्रिश्चियन नैरेटिव को बताते हुए, ठीक है। कौन से इवेंट होते थे तो क्रिश्चियनिटी में कौन कौन से इवेंट आपको लगते हों हुए होंगे, तो लास्ट जजमेंट क्या थी, ठीक है, क्रिएशन कैसे हुआ, एडम एंड ईव वाली स्टोरी हो गई, ठीक है, लास्ट जजमेंट क्या था, क्रिश्चियनिटी में लास्ट जजमेंट के बारे में आपने पढ़ा होगा, इन चीज़ों के बारे में जो है हम इन इन प्लेज में इन ड्रामास जो इन इन प्लेज को एज अ परफॉर्म करते थे, ठीक है। पिछले वाला चमत्कार पे बेस्ड था और इस बार वाला ओवरऑल क्रिश्चियन नैरेटिव पे कि क्रिएशन कैसी हुई, लास्ट जजमेंट क्या था। और जनरली अगर मैं बात करूँ ये परफॉर्म किन के द्वारा किया जाता था, एंड दीज वर परफॉर्म बाई गिल्ड्स एंड अदर सिविक ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक स्पेसिस लाइक टाउन स्क्वेयर और मार्केट प्लेसेस। आपने एक चीज़ देखी, वो कहाँ करवाया जाता था पहले परफॉर्म, चर्चिस में, अभी कहाँ पे आ गए हम, कहाँ पे आ गए हैं, सिविक ऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक स्पेसेस, किन के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं, गिल्ड, गिल्ड मतलब जो पावरफुल कह लो बिजनेस, मतलब जो थोड़ा सा कंट्रोल करते थे, ठीक है, व्यापारी टाइप के समझ लो यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मैं नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है कि करेक्ट कर दूँ, बट गिल्ड यहाँ पे मेरे को जितना याद है कि गिल्ड वर दोज हु वर यू नो जो थोड़ा सा पावर होल्ड करते थे इसमें, क्या कहते हैं, उस टाइम पे व्यापारी टाइप के लोग, या सिविक ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो है पब्लिक स्पेसेस में, टाउन स्क्वेयर्स में, मार्केट प्लेसेस में मिस्ट्री प्लेस को परफॉर्म करवाया जाता था। या एक बार दोस्तों आप खुद भी चेक कर लीजिए गिल्ड्स का मतलब, ठीक है, चलिए मैं गलत नहीं बताना चाहता आपको, इसीलिए एक बार, मिस्ट्री प्लेस वर नोन फॉर देयर एलेबोरेट सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स। अब यहाँ पे सेट की कॉस्ट्यूम की बात हो रही है, आप देख रहे हो, एंड ऑफन फीचर्ड लार्ज कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स। मिरेकल प्लेस में पर्टिकुलर दो तीन चार पांच जो भी करेक्टर्स होंगे मान लीजिए उनसे काम चल गया, यहाँ पे हम कॉस्ट्यूम्स पे ध्यान दे रहे हैं, सेटिंग पे ध्यान दे रहे हैं, कैरेक्टर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो मिस्ट्री प्लेस और मिरेकल प्लेस में डिफरेंस आया समझ, धीरे 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 चीज़ें अब मोरालिटी प्लेस की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। मोरालिटी प्लेस में नाम में ही पता चल रहा है कि टीचिंग मोरल लेसन की, सही क्या है गलत क्या है, समझ गए, सही क्या है गलत क्या है, ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। दे टिपिकली फीचर्ड एलेगोरिकल कैरेक्टर्स। अब एलेगोरिकल क्या होता है दोस्तों, एलेगोरिकल का मतलब होता है होगी कुछ, मतलब होगा कुछ, ठीक है, मतलब देखने में वो कुछ और होगा। जैसे आस्तीन का सांप अगर मैं कहूँ, क्या समझते हो आप, एक करप्ट फ्रेंड जो धोखा दे, जो पीठ पीछे छुरा भोंक दे आपके पीछे, आस्तीन का सांप का तो यही मतलब है कि जिस पर ट्रस्ट करा उसी ने धोखा दिया, तो ये एक एलोगोरिकल लैंग्वेज हुई। तो ऐसे ही कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे मोरालिटी प्लेस में, ठीक है, जो सही गलत इन तरी इन इन चीज़ों को एज अ स्टोरी फॉर्म में आपके सामने स्टेज में परफॉर्म किया करते थे, ठीक है। और इनमें जो है आपको मिलेंगे कौन देखने को, इनमें आपको देखने को कौन मिलता था, रुक जाओ एक मिनट, हाँ, इनमें आपको प्रोटैगनिस्ट मिलता था हु वॉज कन्फ्रंटेड विद वेरियस मोरल डायलेमा, कि भाई क्या करना है, सही करना है कि नहीं करना, चोरी करनी है कि नहीं करनी, ठीक है, किसी को मारना है कि नहीं मारना। इस तरीके के सिचुएशंस में आपको कई बार इन प्लेस में देखने को मिलता था कि जो प्रोटैगनिस्ट है इन चीज़ों में फंसा हुआ है ना। अगर मैं बात करूं मोरालिटी प्लेस की, तो मोरालिटी प्लेस लेस रिलीजियस थे मिरेकल और मिस्ट्री प्लेस के मुकाबले, ऑब्वियस सी बात है, सारा शिफ्ट जो है ना तो सेंट पे रहा, ना ही तो ओल्ड न्यू टेस्टामेंट पे रहा, ना ही क्रिश्चियनिटी नैरेटिव के बारे में बात कर रहे हैं,
कहोगे क्या ये कम्प्लीटली आउट ऑफ द हैंड हो गया था क्या चर्च के, ऐसा नहीं है। बेसिक जो मॉरल एथिक्स थे, आप कह रहे हो एथिक्स वैल्यूज जो थी, अभी भी वो चर्च की ही थी। किसी के माइंड से कोई चीज़ बहुत जल्दी नहीं निकाल पाओगे ना। आपको धोखा दे के अगर लाइफ में कोई गया है तो वो दुख एक दिन में तो नहीं जाता, वही बात है यहाँ पे। तो ये डिफरेंस था दोनों, ये दोस्तों तीनों ही प्लेस में, मिरेकल मिस्ट्री और मोरालिटी प्लेस में। अच्छा, कई टाइप के ना जो ये मिस्ट्री प्लेस हैं, मैं मिरेकल प्लेस को क्यों नहीं कह रहा, ध्यान से सुनना, कई टाइप के मिस्ट्री प्लेस को सजो के रखा गया है। कहोगे मिरेकल को क्यों नहीं रखा गया सर, अरे मिरेकल तो ओल्ड न्यू टेस्टामेंट से ली गई थी, ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट बाइबल की तो है ही ऑलरेडी, उसको क्या स्टोर करके रखोगे आप, समझ गए। मिस्ट्री प्लेस क्योंकि परफॉर्म की जाती थी, तो कुछ लोगों ने जो है, जिन्होंने लिखा है, जिनके नाम क्लियर नहीं है, कुछ फैमिलीज के पास वो मिस्ट्री प्लेस रखी हुई थी। उनके नाम बताऊं मैं, ये था द यॉर्क साइकिल, द टाउनले मिस्ट्री प्लेस, द चेस्टर साइकिल आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मीडिएवल इंग्लिश मिस्ट्री प्लेस। ये मिस्ट्री प्लेस के एग्जांपल हैं। दीज प्लेस वर परफॉर्म इन द लिटिल सॉरी लेट मिडल एजेस। तो मिडल एजेस में भी जब लेट खत्म होने वाला मिडल एज है, तब यह परफॉर्म किए जाते थे, टिपिकली एज पार्ट ऑफ रिलीजियस फेस्टिवल्स और सेलिब्रेशंस। ठीक है, यॉर्क साइकिल की बात करूँ जो कि एक मीडिएवल टाइम का इंग्लिश मिस्ट्री प्ले था, मिस्ट्री प्ले समझ गए ना आप, अभी ऊपर बताया, तो ये एक टाइप का मिस्ट्री प्लेस था जिसमें आपको टोटल कितने प्लेस मिले हैं, 48 प्लेस जो मिले हैं, जो कि कहाँ परफॉर्म किए गए थे, यॉर्क में, कहाँ पे, इंग्लैंड में, बहुत दिनों के अंतराल में। ऐसी थोड़ी है कि एक ही दिन में 48 प्ले आप जो परफॉर्म कर दोगे, नहीं, तो लिखे गए हैं, परफॉर्म धीरे धीरे किए जा रहे थे। बिब्लिकल स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगी इनमें, लास्ट जजमेंट से रिलेटेड एंड वर परफॉर्म बाय गिल्ड्स एंड ट्रेड्समैन। देखो दोस्तों, गिल्ड्स वही आ गया, पैसे वाले बिजनेसमैन टाइप के लोग और ट्रेड्समैन, यही लोग परफॉर्म किया करते थे इन किनको, इन मिस्ट्री प्लेस को। और मिस्ट्री प्लेस में भी कौन से वाले प्ले की बात कर रहा हूँ, कई टाइप के थे, जैसे मैंने आपको बताया द यॉर्क साइकिल था, टाउन ले मिस्ट्री प्लेस थे, चेस्टर साइकिल है, तो इस टाइप से कई टाइप्स के मिस्ट्री प्लेस थे। तो मैं अभी फिलहाल यॉर्क साइकिल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं टाउन ले मिस्ट्री प्लेस की मैं बात करूँ, जो कि यहाँ पे है लिखा हुआ, ये एक अलग टाइप की मीडिएवल मिस्ट्री प्लेस थी जो कि नॉर्दर्न इंग्लैंड में जो है परफॉर्म की जाती थी। ऊपर वाला कहाँ परफॉर्म किया जा रहा था, यॉर्क इंग्लैंड में, और ये कहाँ परफॉर्म किया जा रहा है, ध्यान से सुनो, ये नॉर्दर्न इंग्लैंड में परफॉर्म कर रहे हैं, समझ गई बात मेरी। द प्लेस वर ऑरिजिनली हाउस्ड इन द टाउनले फैमिलीज कलेक्शन एंड वर लेटर डोनेटेड टू द ब्रिटिश म्यूजियम। तो टाउनले जो फैमिली थी उनके पास जो है ये भंडार पड़ा हुआ था इन प्लेस का, बाद में ये ब्रिटिश म्यूजियम के को हैंड ओवर कर दिया गया, भैया सरकारी अमानत है रख लीजिए। ठीक है, समझ गए, तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई, मिटा दूँ बाकी सारी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट है आपका, अगर मैं बात करूँ चेस्टर साइकिल की, ये भी एक टाइप का जो है मीडिएवल टाइम का मिस्ट्री प्लेस था, मतलब सेट था एक कह लो, और 24 प्लेस थे इसमें, 24 प्ले का कलेक्शन था। और कहाँ परफॉर्म किए जाते थे, चेस्टर इंग्लैंड में, इसीलिए चेस्टर साइकिल नाम रख दिया है, समझ गए। चलिए इंग्लैंड लाइक द यॉर्क साइकिल, द प्लेस डिपिक्ट बिब्लिकल स्टोरीज फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड टू द लास्ट जजमेंट एंड परफॉर्म बाय वेरियस गर्ल्स एंड, वही बात है कि वही लोग परफॉर्म करते थे, मतलब कहने का मतलब है कि ये तीन चार टाइप के नहीं, ये कलेक्शन आपको मिलेंगे, तीन टाइप के तो प्लेस थी आपकी, मिरेकल मिस्ट्री और मोरालिटी, बट मिरेकल प्लेस जो सजो के रखे गए थे कुछ फैमिलीज के द्वारा, या जो परफॉर्म किए गए थे कलेक्शंस में, जैसे 28-30 का सेट था इनके पास, तो जो सेट तैयार करके रखे गए थे सजा के, उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, मिस्ट्री प्लेस में हमें डिफरेंस क्या मिला, क्योंकि मिरेकल प्लेस तो हाईली कंट्रोल्ड थी चर्च के द्वारा, तो मिस्ट्री प्लेस में आपको एक चीज़ मिलेगी कि थीम्स जो हैं वो थोड़ी थोड़ी फ्री हो रही थी, एक फ्री तरीके से हम थीम्स को ले रहे थे, रिलीजियस पना जो है थोड़ा कम हुआ, मोर ड्रामेटिक हुई क्योंकि कॉस्ट्यूम्स आए, मोर कैरेक्टर्स बने बताया था, लेस डिडेक्टिक हुई, लेस डिडेक्टिक का मतलब पता है, डिडेक्टिक का मतलब होता है दोस्तों ऐसा ही करना पड़ेगा, वैसा ही करना पड़ेगा, इंस्ट्रक्शंस, यहाँ कहूँ तो वहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ कहूँ तो वहाँ जाना पड़ेगा, इनको इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, डिडेक्टिक कहते हैं। तो धीरे धीरे जो इंस्ट्रक्शंस बेस्ड चीज़ें हैं वो कम हुई, है ना, चोरी मत करो, अब पता चले भैया गए हो मार्केट में
दवाई के लिए पैसे नहीं है आपके पास, अब वो बोल रहे हो कि दे दो जान बच जाएगी 10-20 आदमियों की, दे दो, नहीं दे रहा, तो रात को घुसे चोरी कर ली। हाइंस डायलेमा पढ़ा है ना हमने CDP में, मतलब आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, जो जिन्होंने बीएड नहीं करी उनको नहीं पता होगा फिर इसके बारे में, तो मोरालिटी वाली चीज़ है। लेकिन वो मोरालिटी वहाँ क्या कह रही है, चोरी मत करो। अरे भैया यहाँ पे 20 लोगों की जान जा रही है, तुम कह रहे हो चोरी मत करो, तो चोरी तो करनी चाहिए फिर, चोरी तो कैसे करनी चाहिए फिर, लेकिन चोरी करनी चाहिए, गलत एग्जांपल सेट होगा। तो क्या था कि पहले चर्च के द्वारा तो यही कहा जाता था ना, इंस्ट्रक्शंस दी जाती थी कि ऐसे मत करो वैसे मत करो, बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। लेकिन अब धीरे धीरे मिरेकल मिस्ट्री प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो धीरे धीरे कंट्रोल जो है सिंस कम हुआ चर्च का, तो ये लेस डायडेक्टिक भी बनी, इंस्ट्रक्शंस कम हुए, ह्यूमन इंटरेस्ट जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा इसमें। कुछ जो प्लेस थे वो मोर एलेगोरिकल थी, एलेगोरिकल मैंने बताया कि कुछ होगा कुछ और मीनिंग सिंबॉलिक मीनिंग कुछ और निकल जाएगा। एलेगोरिकल का मैंने यहाँ पे वैसे लिख भी रखा है कि लिटरेचर एंड एलेगोरी इज अ स्टोरी और नरेटिव दैट कंटेन्स अ हिडन और सिंबॉलिक मीनिंग बियॉन्ड इट्स लिटरल इंटरप्रिटेशन। कुछ और ही होगा अगर ध्यान से सोचने बैठे तो उसके ऊपर। अच्छा, मोरालिटी प्लेज के ऊपर मैंने इतनी सारी आपको चीज़ें बता दी, यहाँ पे दो चार चीज़ें और सुन लो। मोरालिटी प्लेज में, क्योंकि अभी हमने ऊपर बात करी है मिस्ट्री प्लेज की, चेस्टर साइकिल, यॉर्क वाला, क्या डेवलपमेंट हुई, मोरालिटी प्ले के बारे में नहीं जानना चाहती इसमें क्या डेवलपमेंट हो रही थी, इसमें भी डेवलपमेंट हो रही थी। मोरालिटी प्ले मतलब वो राइट एंड रॉन्ग वाला, राइट एंड रॉन्ग वाले पे आ गए हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, राइट एंड रॉन्ग वाले। ये भी मिट नहीं रहा है, क्या हो गया, ठीक है मिट गया, ओ हो चला गया, वो भी चला गया, कोई बात नहीं। तो मोरालिटी प्ले में क्या डेवलपमेंट हो रही थी, वो देखो, इसके ये लास्ट है, इसके बाद यहाँ पे वीडियो स्टॉप करेंगे, डोंट वरी। तो मोरालिटी प्लेज रिटेन द क्रूड वर्सिफिकेशन ऑफ द मिस्ट्री, मेकिंग यूज ऑफ एलिट्रेशन एज वेल एज राइम। मोरालिटी प्लेज में अभी भी आपको वर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता था, इट वॉज लाइक द मिस्ट्री सीरियस इन इंटेंशन एंड डेल्ट विद द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ गुड एंड इविल। मोरालिटी प्ले में अभी भी आपको एक राइमिंग वाला पार्ट मिल रहा है देखने को, लेकिन जो इंटेंशन है वो प्रॉब्लम दिखाना है गुड और इविल वाला। दे वर रिटन इन द देन फैशनेबल एलेगोरिकल मैनर, द कैरेक्टर्स वर एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ वर्च्यूज एंड वाइसेस। कैरेक्टर्स ऐसे होते थे, किसी में कुछ गुण हैं, कुछ में कुछ अवगुण हैं, प्रॉब्लम्स हैं किसी के कैरेक्टर में प्रॉब्लम, मतलब वैसे मत देख लेना कि कोई ख़राब है कैरेक्टर किसी का, मतलब वैसे समझ लो कि कोई जेलसी का भाव है ना। 7 deadly sins के बारे में जैसे आपने पढ़ा, तो मान लो कोई बहुत ज़्यादा पेटूपना है, किसी को सेक्स की भूख है बहुत ज़्यादा, तो इस टाइप से मैं कह रहा हूँ। वर एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ वर्च्यूज एंड वाइसेस, फॉर द फर्स्ट टाइम दे एम्प्लॉयड अ डेफिनेट प्लॉट। पहले तो वर्सिफिकेशन ही था, वर्स थे, वर्सेस में लिखी जा रही थी, राइमिंग पार्ट था। धीरे धीरे डेवलपमेंट होते 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 आप देखोगे, पहली बार जो है दे एम्प्लॉयड अ डेफिनेट प्लॉट। अब आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे इनकी कहानियों में एक प्लॉट सा आ रहा है कि परफॉर्म करना क्या है पार्टिकुलर, है ना, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांस था ड्रामेटिक डेवलपमेंट में। आप एक फिक्स प्लॉट की बात कर रहे हो कि हमें परफॉर्म क्या करना है स्टेज में जाके, बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि इसके बाद ही आप फिर जो है उस तरीके से लिखना स्टार्ट करोगे। द अर्लीस्ट मेंशन ऑफ अ मोरालिटी इज दैट ऑफ द प्ले ऑफ पैटर्न ऑस्टर नॉट एक्सटेंड। मतलब अगर मैं अर्लियर एग्जाम्पल की बात करूँ, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने कि भैया जो अर्लियर एग्जाम्पल है मोरालिटी प्ले का, वो प्ले ऑफ द पैटर्न ऑस्टर के नाम से एक जो है प्ले आपको मिल जाएगा, मोरालिटी प्ले है जो कि एक। एंड द ओल्डेस्ट एक्सटेंट प्ले इज द कैशल ऑफ कैशल ऑफ प्रेजर्वरेंस। एक ये प्ले मिल जाएगा आपको जो कि ओल्डेस्ट माना जाता है मोरालिटी प्ले में। इवन मोर एब्स्ट्रैक्ट्स आर सच एज प्ले। अच्छा, इनमें ना एक चीज़ और आपको मिलेगी, इन मैंने एग्जाम्पल तो दे दी, एक तो ये रहा द प्ले ऑफ द पैटर्न ऑस्टर, और एक तो ये था द कैशल ऑफ प्रेजर्वरेंस। इवन मोर एब्स्ट्रैक्ट्स आर सच प्लेज लाइक माइंड, विट, अंडरस्टैंडिंग। ये चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेंगी इन प्लेस में, द फोर एलिमेंट्स एंड विट एंड साइंस। ये आपको चीज़ें जो हैं देखने को मिलेंगी मोरालिटी प्लेस में, विट, साइंस वगैरह, इन चीज़ों की थोड़ी थोड़ी बातें जो है देखने मतलब हो रही थी। मेजर हमें क्या मिला, प्लॉट जो है, मतलब स्टोरीज में जो है आपको प्लॉट फिक्स होते हुए दिखेंगे, डिफाइन होते हुए दिखेंगे कि भैया परफॉर्म क्या करना है स्टेज पे जाके। डायलॉग्स का अच्छा खासा जो है यहाँ पे एक विस्तार होता हुआ दिख सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टॉप करें, आगे ही बता पाऊँगा मैं अब आपको कि हेनरी VIII वगैरह के बारे में, वॉर ऑफ रोजेस के बारे में मैं आपको बताऊँगा आगे। इसके बाद जो किंग्स थे, सारे के सारे किंग्स को मैं यहाँ पे थोड़ा सा, सारे के सारे किंग्स नहीं,
सारे के सारे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं लिस्ट जरूर दूंगा कि इंग्लैंड की हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट हुई थी। हमारा जो मेन मकसद है, हमें ये जानना है कि भैया ड्रामा ओरिजिन कैसे हुआ। तो ड्रामा का ओरिजिन कैसे हुआ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इन दोनों पार्ट्स में, आज ये सेकंड पार्ट था इस वीडियो का। और ड्रामा ओरिजिन कैसे हुआ, आपके रिलीजियस ड्रामा से स्टार्ट हुआ था जो कि मिरेकल था। मिरेकल प्लेस परफॉर्म किए जाते थे पहले स्टेज में, फिर मोरालिटी, ये मिस्ट्री प्लेज आए, फिर आपके जो हैं मोरालिटी प्लेज आए। तो शुरुआत तो हो ही चुकी है, ड्रामा की शुरुआत इस टाइप से हुई थी, हो गई ना शुरुआत। थोड़ा सा आगे के कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टूडर डायनेस्टी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि टूडर डायनेस्टी के बिना मैं आपको फिर रेनेसा नहीं पढ़ा पाऊंगा। दोस्तों ये जो सारी चीज़ें अभी चल रही थी, मिडिवल एजेस जो हैं मान के चलते हैं 1300 वगैरह वगैरह इस तरीके तक मान के चलते हैं, 1400 भी मान के चलते हैं। उसके बाद तो 1400 के बाद तो आपका जो इटली में रेनेसा स्टार्ट हो गया था, तो रेनेसा की जो आग है वो आपको इंग्लैंड तक भी पहुँचती हुई दिखेगी। फिर राजा भड़क जाएंगे, कहेंगे भैया क्रिश्चियनिटी से अलग होना है हमको, रोम वाली क्रिश्चियनिटी जो कैथलिक चर्च है, अपने आप को कैथलिक चर्च से अलग करते हुए फिर वो खुद को चर्च का राजा वो कर लेंगे, मतलब हेड घोषित कर लेंगे, बट ये बाद की बात है। तो अभी फ़िलहाल तो हमारा इंग्लैंड मिडिवल एजिस में ही था और ड्रामा का ओरिजिन स्टार्ट हो चुका है। रेनेसा को समझने के लिए टूडर डायनेस्टी, वॉर ऑफ रोजेस, हेनरी एट्थ, इसके अलावा जो उनकी वाइफ थी उनके बारे में जानना इम्पोर्टेंट रहेगा। ये मैं आपको आगे आने वाले चैनल में जो है आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इनफ फॉर टुडे। इफ़ यू वांट मोर हैंड रिटन नोट्स ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंड फॉलो आर यूट्यूब चैनल लिटररी माइंड। लिटररी माइंड का भैया टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा, तो चुपचाप जाओ और ज्वाइन कर लो, नोट्स ये वाले वहीं मिलेंगे, कहीं और नहीं। बाकी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग बीएड वगैरह करना चाहते हैं, टीचिंग फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, खासकर स्कूल टीचिंग में, वो लोग मुझसे पढ़ भी सकते हैं दोस्तों। मैं सीटेट का भी आज भी पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ मैं आपको प्रिपेयर करवाता हूँ टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए भी, तो आ सकते हो आप मेरे पास, ठीक है, पढ़ने के लिए। चलिए नोट्स के लिए स्पेस दे रखा है तो बना लेना, अगर इनकी फ़ोटोकॉपी करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो आप, ठीक है। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिएगा, ओरिजिन ऑफ इंग्लिश ड्रामा यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, नेक्स्ट में कॉन्टेक्स्ट बताऊँगा एज आई सेड, ठीक है। चलिए, सो विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। टेक केयर माई फ्रेंड्स, थैंक यू।